हाय गाइस, वेलकम टू मुमताज़ किचन। आज हम महाराष्ट्र के ट्रेडिशनल उकड़ीचे मोदक बनाने जा रहे हैं बापा को भोग लगाने के लिए। तो चलो देखते हैं इनकी रेसिपी। यहाँ मैंने एक नॉनस्टिक पैन में एक चम्मच जितना शुद्ध घी ले लिया है। अभी इसको हम पिघलने देंगे और एक बाउल मैंने यहाँ कोकोनट, फ्रेश कोकोनट लिया है, उसका छील ले लिया है मैंने। इसको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, एरोमा आए और हल्का सा कलर चेंज हो तब तक हमें उसको रोस्ट करना है। अभी ये रोस्ट होके तैयार है। जितना कोकोनट लिया था इतना ही यहाँ मैंने गुड़ लिया है, उसको मैंने बारीक कट कर लिया है ताकि वो जल्दी से मिक्स हो जाए। उसका हमें पाक नहीं बनाना है, वो सिर्फ दोनों मिक्सचर हमारा एक और दूसरे में मिल जाए ऐसा ही हमें पकाना है। तो तैयार है ये मिश्रण। और यहाँ मैंने हाफ चम्मच इलायची पाउडर ले लिया है। सभी को मिक्स कर देंगे तो तैयार है स्टफिंग हमारा मोदक के लिए। उसको साइड में रख देते हैं। अभी एक कढ़ाई में मैंने 1.5 बाउल जितना पानी ले लिया है, उसको हम उबाल आने देंगे। अभी उसमें उबाल आ गया है। आप यहाँ 1 चम्मच जितना घी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट ही उसमें चावल का आटा ऐड किया है 2.5 किलो। थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है और उसको प्रॉपर मिक्स करते जाना है ताकि उसमें लम्स ना पड़े। कर देना है। चावल के आटे को पकने में ज्यादा देर नहीं लगती, इसीलिए वो उसको हमें 2 से 3 मिनट तक पकने देना है। और बाद में मैंने उसको ढक्कन लगा के 5 से 7 मिनट तक पकने दिया है। तो चावल का आटा पक के तैयार है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे एक डिश में उसको निकाल दिया है और हल्का सा ठंडा हो उस लिए मैंने 2-3 मिनट उसको रेस्ट दे दिया है। हमें इसका आटा गूंद लेना है। यहाँ मैंने हाथ घी से ग्रीस कर लिया है और इसको हम थोड़ा हल्का सा गर्म हो तभी हमें इसको गूंद लेना है ताकि ये सॉफ्ट आटा हमारा तैयार हो। ये ठंडा हो जाएगा तो काठा हो जाएगा, इसीलिए हल्के से गर्म हो तभी हमें इसको प्रॉपर हैंडल करना है। तो तैयार है अभी। तो हम इसमें से मोदक बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने मोदक मोल ले लिया है, उसको इसे ग्रीस किया है। आप हाथ से भी शेप दे सकते हो मोदक का, पर मुझे ये नहीं जमता तो मैं मोदक का मोल्ड ही यूज़ करती हूँ। तो चलो बनाते हैं मोदक। यहाँ मैंने दोनों पार्ट्स में जो फर्स्ट लेयर है वो चावल के आटे से बना लिया है। अभी इसको बंद करके एक्स्ट्रा पार्ट निकाल देंगे और बीच में एक होल बना देते हैं स्टफिंग करने के लिए। अभी कोकोनट और गुड़ का जो हमने स्टफिंग तैयार किया था वो हम फिल कर देंगे इसमें। उसको प्रॉपर प्रेस करके हमें फिलिंग्स करना है। ये कुकड़ी के मोदक बनाते वक्त फ्रेंड्स एक बात याद रखें कि चावल के आटे का जो उपरला पतला होगा और उसमें जितना स्टफिंग ज़्यादा होगा उतना ही उसका टेस्ट बहुत अच्छा था। तो ये हमें ध्यान रखना है। और आखिरी में मोदक को हमें राइस फ्लोर से बंद करना है, सील करना है। तो आप देख रहे हो कितना अच्छा शेप आ गया है मोदक का। बस ऐसे ही हम दूसरे मोदक भी तैयार कर लेते हैं। एक के बाद हम सभी मोदक ऐसे ही तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने पहले से ही एक कढ़ाई में पानी उबालने रख दिया है ताकि पानी जल्दी से उबले और हमें मोदक स्टीम करने में देर न लगे। तो कढ़ाई में मैंने पानी उबाल आ गया है, इसमें मैंने एक स्टैंड लगा दिया है और एक छन्नी ले ली है, वो मैंने घी से ग्रीस कर ली है। अभी इसमें हम सभी मोदक रख देंगे और उसको ढक्कन लगा के 10 से 12 मिनट तक हमें स्टीम करना है। आप देख रहे हैं
10 मिनट के बाद अपने मोदक स्टीम होके तैयार है। यहाँ मैंने पहले से ही दूध में थोड़ा केसर यानी सेफ्रन मिला के रखा था और सभी मोदक पे हम ये अप्लाई कर देंगे ताकि मोदक का लुक अच्छा आए। और यहाँ मैंने घी भी उस पर लगा दिया है जिससे उसका टेक्सचर भी अच्छा लगे। तो तैयार है हमारा।